आपके पास जो भी कस्टमर आते हैं वो एक जैसे नहीं होते। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपका टाइम खराब करते हैं, आपका दिमाग खराब करते हैं, और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके लिए आप कहते हैं कि मजा आ गया। अगर इस तरह के कस्टमर मेरे पास आते रहे तो मेरा बिजनेस खूब बढ़ सकता है। देखिए, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपके पास जो भी कस्टमर आते हैं वो कितने तरह के होते हैं, और हर तरह के कस्टमर के साथ आपको कैसे डील करना है, उन्हें कैसे हैंडल करना है, ताकि आपकी सेल्स 10 गुना हो सके, आपका बिजनेस 10 गुना ज़्यादा ग्रो हो सके, और आप 10 गुना ज़्यादा टेंशन फ्री रह सके। क्योंकि जितने भी छोटे व्यापारी है, ज़्यादातर छोटे व्यापारी का बिजनेस इसलिए ग्रो नहीं हो पाता क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है उनके कस्टमर। इसलिए अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने ब्रांड को एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए, आपके पास जो भी कस्टमर आते हैं वो मोस्टली चार तरह के होते हैं। इन्हें हम चार अलग अलग कैटेगरी में रख देते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, सी और डी। अब हम एक एक करके हर कैटेगरी को समझते हैं कि उस कैटेगरी के जो कस्टमर होते हैं उनकी क्या पहचान होती है, उन्हें आप कैसे पहचान सकते हैं और उन्हें आपको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी ए वाले कस्टमर की। देखिए, कैटेगरी ए वाले जो कस्टमर है, ये वो कस्टमर है जिन्हें आप चाहे कितना ही अच्छा प्रोडक्ट दे दो, कितने ही अच्छे प्राइस पर दे दो, चाहे कितनी फैसिलिटी दे दो, फिर भी ये संतुष्ट नहीं होते। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं कि मुझे और दो, ये भी दो, वो भी दो। इनके लिए आप चाहे कितना ही कर लो, फिर भी ये उनके लिए कम ही रहेगा। दूसरा, कि अगर मान लो कोई चीज़ आप इन्हें 100 रुपये की दे रहे हैं और ये 10 साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मार्केट में कोई नया आदमी आता है, वो उसी चीज़ को 98 में दे रहा है, ये तुरंत आपको छोड़ के उसके पास चले जाएंगे। मतलब ये आपके लिए लॉयल नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेंसिटिव होते हैं। 2-2 रुपये बचाने के लिए ये आपके साथ 2-2 घंटे तक बहस करते हैं। मतलब ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं। और एक चीज़ और, जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्ट पहले से 100 रुपये में देते आ रहे हैं, अब क्या हुआ कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि भाई अब इस प्रोडक्ट को मैं 105 में बेच दूँ। लेकिन ये ग्राहक क्या कहता है कि भाई 100 में देना तो दो, वरना मैं चला। ये मतलब 105 देने से मना कर देता है। तो आप क्या करते हैं, उस ग्राहक को रोक के रखने के लिए आप उसका प्राइस 100 ही रखते हैं, लेकिन आप उसकी क्वालिटी को डाउन करते हैं, ताकि कॉस्ट कम आए और आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो बना रहे। इसलिए ये क्या करते हैं कि इन कस्टमर की वजह से आपकी क्वालिटी इंक्रीज नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा डिक्रीज होती चली जाती है। आपका बिजनेस ग्रो नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा डाउन होता चला जाता है। क्योंकि जितनी आप क्वालिटी गिराओगे, तो इसी तरह के कस्टमर और ज़्यादा आपके नेटवर्क में आते रहेंगे। और देखिए, अगर आप एक चीज़ पर ध्यान दोगे, तो अगर आपके नेटवर्क में इस तरह के 80% कस्टमर हैं, तो वो रेवेन्यू आपको सिर्फ 20% का ही दे रहे हैं। मतलब एक अच्छा कस्टमर आपसे ज़्यादा माल खरीदता है, और इस तरह के कस्टमर, इनकी भीड़ तो ज़्यादा होती है लेकिन माल कम खरीदते हैं, और ये आपकी पेमेंट भी टाइम पर नहीं देते, पेमेंट के लिए लटका के रखते हैं। इसलिए हर छोटा व्यापारी जिसके नेटवर्क में इसी तरह के कस्टमर भरे पड़े हैं, वो इन्हीं में उलझावा रह जाता है। उसको टाइम ही नहीं मिलता ये सोचने का कि मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि वो पूरे दिन इन्हीं से फ़ोन पर बातचीत करने में कि भाई उसकी पेमेंट नहीं आई, उसका जो है ये कंप्लेन आ रही है, वहाँ से ये उसके पास माल नहीं पहुँचा। इस तरह की मतलब सरदर्दी के कारण जो है आप कभी अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच ही नहीं पाते, टेंशन फ्री नहीं रह पाते। अब आपको क्या करना है कि ये वाले जो कस्टमर है, कैटेगरी ए वाले, इन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने नेटवर्क से हटाइए, क्योंकि ये वो कस्टमर है जो बदलने वाले नहीं है, सुधरने वाले नहीं है। आपको इन्हें हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 10 इस तरह के कस्टमर रखते हैं, तो आप अच्छे कस्टमर की अपॉर्चुनिटी को खो रहे हैं, आप उन्हें नहीं संभाल पा रहे इनकी वजह से। अब जैसे मान लो कोई एक ऐसा कस्टमर है जो आपसे 10 लाख का माल खरीद रहा है और आपको कोई टेंशन नहीं दे रहा, और दूसरी तरफ 10 ऐसे कस्टमर हैं जो मिलकर 10 लाख का माल ले रहे हैं और आपको सरदर्दी भी खूब दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास एक ऐसा कस्टमर आता है, बढ़िया कस्टमर आता है, तो 10 बेकार वाले कस्टमर को हटा दीजिए। इससे आपका कोई नुकसान नहीं है। जैसे जैसे आपके नेटवर्क में कैटेगरी ए वाले कस्टमर हटते जाएंगे और अच्छे कस्टमर जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा, आपकी सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और आप टेंशन फ्री रहना शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं कैटेगरी बी की। देखिए, कैटेगरी बी वाले जो कस्टमर है, ये प्राइस और क्वालिटी के मामले में ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, थोड़े थोड़े सेंसिटिव है, मतलब ठीक ठाक चल जाएगा, बस इस तरह के। ये आपसे कंप्लेन नहीं करते,
लेकिन ये क्वेश्चन बहुत करते हैं, और क्वेश्चन भी वो करते हैं जो इनलॉजिकल होते हैं, इनरिलेवेंट होते हैं, मतलब जिनका कोई मतलब ही नहीं है आपके प्रोडक्ट से या आपकी सर्विस से, उस तरह के क्वेश्चन कर करके आपका दिमाग ख़राब करते हैं। और जब ये आपसे फ़ोन पर बात करते हैं तो एक एक दो दो घंटे तक बात करते रहेंगे, और वो भी बिना मतलब की, मतलब ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करते हैं। और ये भी आपके लिए सरदर्दी है, जिस तरह से कैटेगरी ए वाले आपके लिए सरदर्दी थे, वैसे ये भी हैं, क्योंकि इनकी वजह से आप सही कस्टमर को टाइम नहीं दे पाते, ये भी आपको जो है उलझा के रखते हैं। अगर आप इनका फ़ोन ना उठाओ तो ये नाराज़ हो जाएंगे कि भैया आप तो बात ही नहीं कर रहे, आप तो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते, ये मतलब बार बार आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपका टाइम ख़राब करते हैं। लेकिन ये है कि ये आपके साथ जुड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आज आपसे माल लिया और तुरंत हट गए, ये आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपसे माल खरीदते रहेंगे, लेकिन ये आपको डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करेंगे, ये भी आपको उलझा के रखेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस तरह के कस्टमर को भी इग्नोर करना है, इन्हें धीरे धीरे अपने नेटवर्क से हटाना है। देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि जो ये कैटेगरी ए कैटेगरी बी है, इन्हीं की वजह से आपका धंधा चल रहा है, इन्हीं की वजह से आप सर्वाइव कर रहे हैं, टिके हुए हैं, अगर इन्हें आपने हटा दिया तो आपका तो पूरा धंधा ही खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देखोगे तो वो बड़ा बिजनेसमैन बना क्यों है, कोई भी ब्रांड जो है वो बड़ा ब्रांड बना क्यों है, क्योंकि भैया उनके पास कस्टमर अच्छे हैं। अगर आप इन्हीं तरह के कस्टमरों में उलझे रहे तो हमेशा इन्हीं में उलझे रहोगे, कभी बिजनेस बढ़ नहीं पाएगा। आपको क्या करना है, अच्छे कस्टमर ढूंढो, उनके लिए थोड़ी सी कोशिश करो, मेहनत करो, ढूंढने से सब मिलेगा। अगर आप अच्छे कस्टमर अपने साथ जोड़ते जाओगे और इन्हें हटाते जाओगे तो उतना ही आप टेंशन फ्री रहोगे, उतना ही आपकी क्वालिटी इंक्रीज होगी, उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो जो ये कैटेगरी ए और कैटेगरी बी है, इन्हें आपको अपने नेटवर्क से हटाना है। अब आते हैं कैटेगरी सी पे। देखिए, कैटेगरी सी वाले जो कस्टमर है, ये भी आपसे खूब क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इनके क्वेश्चन जो है लॉजिकल होंगे, रिलेवेंट होंगे, जेन्युइन होंगे, मतलब ये दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, सही क्वेश्चन करेंगे। ये आपके पास जब आते हैं तो आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी रिसर्च करके आते हैं। अगर मान लो आप कोई 100 रुपये की चीज़ जो है वो इन्हें 120 की दे रहे हो, तो इन्हें आप बस ये बता दो कि भाई 20 रुपये एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो, किस चीज़ के ले रहे हो। इन्हें अगर समझ में आ जाएगा तो ये आपको 120 की जगह 130 भी दे देंगे, मतलब प्राइस के मामले में ये कोई मच नहीं करते, इन्हें बस क्वालिटी अच्छी चाहिए। ये जो कस्टमर है ये आपको तभी कॉल करते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना जो वो कैटेगरी बी वाले जो कस्टमर थे, वो आपको जैसे घंटों तक बात करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, टाइम ख़राब करते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, ये सिर्फ तभी कॉल करेंगे जब ज़रूरी होगा, और जो भी इनका क्वेश्चन होगा, जैसे ही बस एक दो मिनट में जवाब मिला, फ़ोन रख दिया। ये मतलब आपका टाइम ख़राब नहीं करते। इन कस्टमर के साथ क्या है कि जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, जब तक आप सही से प्रोडक्ट सर्विस देते रहेंगे तब तक ये आपके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ कमी आई, कोई क्वालिटी डाउन हुई या कुछ और कारण हुआ, तो ये बिना होए हल्ला किए, बिना आपको कोई कंप्लेन किए, बिना कुछ बोले, चुपचाप आपसे माल लेना बंद कर देंगे। अब देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है, इस तरह के कस्टमर से आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, आपको ये फीडबैक काफ़ी अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि ये वो कस्टमर है जो आपसे सिर्फ रिलेवेंट क्वेश्चन करते हैं, लॉजिकल बात करेंगे, कोई बिना फालतू की बात नहीं करेंगे। तो इस तरह के कस्टमर से आप जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक ले सकते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, जो सर्विस हम दे रहे हैं, इसमें क्या कमियाँ हैं, या हम और ज़्यादा क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, ताकि हम जो है और ज़्यादा बेस्ट दे सकें। तो ये जो कस्टमर है ये आपको बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल सही फीडबैक देगा, ये आपको सपोर्ट करते हैं ये बताने में कि आपका जो ये प्रोडक्ट है, अगर आप ये कमियां दूर करें, ये गलतियां दूर करें, अगर ये सुधार करें, ये इम्प्रूवमेंट करें, तो आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा बेहतर बन सकता है, मतलब ये आपके प्रोडक्ट को और बढ़िया बनाने में आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप इनकी बातें मानते हैं तो आप भैया अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा उतना ही आपका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये क्या है कि आपको जेन्युइन फीडबैक देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कस्टमर हमेशा आपके साथ जुड़े रहें, तो इसके लिए आपको लगातार इनसे बातचीत करते रहना होगा, लगातार कम्युनिकेट करते रहना होगा। अगर आपने लंबे टाइम तक इनसे कोई बातचीत नहीं की तो ये फिर आपको भूल जाएंगे। अब बात करते हैं कैटेगरी बी की। देखिए, ये वो कस्टमर है जो अगर आपके पास है तो आपका बिजनेस ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वो कस्टमर है जिन्हें प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है, प्राइस चाहे कितना भी हो, इन्हें क्वालिटी से मतलब है, इन्हें बेस्ट क्वालिटी चाहिए। ये या तो आपको एडवांस पेमेंट दे देंगे या डील होते ही तुरंत पेमेंट दे देंगे, मतलब पेमेंट का इनके साथ कोई लफड़ा नहीं होता, इन्हें बस क्वालिटी अच्छी चाहिए। अगर मान लो कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, इसलिए आप सोच रहे हैं कि अब उस प्रोडक्ट को मैं 110 का दूँ,
तो ये 110 देने के लिए भी तैयार है। जैसे वो कैटेगरी जो ए वाला कस्टमर था, वो कहता था भाई मैं तो 100 में ही लूँगा, इतने में देना तो दो वरना मैं चला। लेकिन ये क्या करेंगे, ये आपको सपोर्ट करते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने में, आपकी क्वालिटी को इंक्रीज करने में। क्योंकि उस केस में क्या हो रहा था, आपको प्राइस 100 ही रखना था, इसलिए आप अपनी क्वालिटी को गिरा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपने अपना प्राइस 110 कराए तो ये 110 देने के लिए तैयार है। इसलिए यहाँ पर आपको क्वालिटी गिराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इन्हें जो है क्वालिटी चाहिए होती है, इसलिए आप और ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट बनाते हैं और ज़्यादा क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कस्टमर है ये आपको सपोर्ट करता है अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में और ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रो करने में। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, वो 100 कस्टमर आपको जितना रेवेन्यू देते हैं उससे ज़्यादा रेवेन्यू ये एक कस्टमर आपको दे देता है। ये आपको सपोर्ट करता है अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करने में, क्योंकि ये प्राइस से तो इसको कोई लेना देना है ही नहीं, इसको बस बेस्ट क्वालिटी चाहिए। इसलिए आप खुलकर अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बिना ये सोचे कि भाई इस प्राइस पर कस्टमर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। इन्हें प्राइस से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है। ये वो कस्टमर है जिनका अगर आप नाम ही ले लेते हैं तो आपको 4-5 और अच्छे कस्टमर मिल जाते हैं, मतलब इनकी मार्केट में काफ़ी अच्छी इमेज बनी होती है। ये आपके साथ लॉयल होते हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप कोई गलती कर देते हैं, आपने किसी भी तरह की, जैसे मान लो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया या कोई भी गलती की, तो ये आपको दोबारा मौका नहीं देंगे, फिर ये आपको जो है हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। तो ये 4 तरह के कस्टमर के बारे में हमने जाना, कैटेगरी ए, बी, सी और डी। अब आपको क्या करना है कि धीरे धीरे अपने नेटवर्क में से कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वाले जो कस्टमर है इन्हें हटाते जाना है, और कैटेगरी सी और डी वाले जो कस्टमर है उन्हें जोड़ते जाना है। उनके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे आपके नेटवर्क में कैटेगरी सी और डी वाले कस्टमर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो आपका बिजनेस भी ग्रो होना शुरू हो जाएगा, आपकी सेल्स भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और आपका जो ब्रांड है एक बड़ा ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब आप जो है क्वालिटी पे फोकस करेंगे, प्राइस पर नहीं। तो इन चीज़ों को आप आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू करिए। आपके नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कस्टमर रखिए और बेकार कस्टमर को हटाइए, ताकि आप टेंशन फ्री रह सकें और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ताकि क्या पता आपके जरिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।